इतिहासिक जलियांवाले बाग की रेनोवेशन तो बाद उसते सवाल उठने शुरू हो गए ने। कई जथेबंदियां वख-वख शहीदी परिवार उसके रेनोवेशन के उत्ते सवाल खड़े कर रहे हैं। अज समूह सिख जथेबंदियां समूह जथेबंदियां जिन्हां च किसान आगू ने ते शहीदां शहीद परिवारों के मैंबर ने उन्हां वालों इस दे कीती गई रेनोवेशन के खिलाफ रोश मार्च कढ़िया जा रहा है। इस दे विच शहीदी प्रदर्शन शहीद के जिहड़े परिवार ने उन्हां दे मैंबर ने इस रेनोवेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हां दे नाल किसान जथेबंदियां ने समूह जथेबंदियां ने इस रोष मार्च के हिस्से ला रही ने। कुछ लोग इत्थे पहुंचे ने कि इस जिहड़ी नवीनीकरण के उत्ते इसकी दिख नूं जिहड़ा बदलिया गया है उसके रोष वजो किसान जथेबंदियां समूह जनतक जथेबंदियां भी शहीदी परिवारों के नाल आ गई ने। जलियांवाले बाग शहीदी परिवार के नाल नाल किसान जथेबंदियां कामरेड भी इस प्रदर्शन के शामिल ने। जो एक रोश मार्च जिहड़ा तुसीं देख सकते हो कि पिछे किसान जथेबंदियां पहुँच रही ने भरावां दे ढाबे तो लैके जलियांवाले बाग तक है रोश मार्च कढ़िया जा रहा है। जलियांवाले बाग के नज़दीक तारा 144 लगी हुई है उसनू देखते हुए मार्च नू घंटा घर तक माफ करना डाकखाने तक रोक लिया जाएगा। डाकखाने तो अगे नहीं जान दिता जाएगा क्योंकि यह दताया जा रहा है कि उस तो अगे जी 44 लगी है उस करके उत्थे इन्हां नू नहीं जान दिता जाएगा। भरावां दे ढाबे तो शुरू होया है रोश मार्च जलियांवाले बाग तक पहुँच गया है क्योंकि जलियांवाले बाग के आले दुआले तारा 144 लगी हुई है। पुलिस वालों बैरीगेट लगा के उस रस्ते नू जान वाले रस्ते नू बैरीगेट लगा दिए गए हैं और इस किसानों के मार्च नू शहीद परिवारों के मार्च नू इत्थे ही रोकया गया है। साढ़े नाल ने गल कर रहे हैं शहीदा परिवार के अज इत्थे लाके 144 लगी हुई है यह धरना दिता गया तुसी अज जलियांवाले बाग की रेनोवेशन के उत्ते प्रोटेस्ट कर रहे हो जिहड़ी रेनोवेशन सरकार वालों की गई है। सरकार दे वल्लों रेनोवेशन बिल्कुल गलत की गई आ। ये जिहड़ी सरकार आ ये फाशीवादी सरकार आ। जिहड़े लोग बीजेपी दे विच शामिल आ जिहड़ी आरएसएस संस्था उन्होंने पिछे आ इन्हां दा जलियांवाले बाग दे शहीदी साके नाल कोई लेना देना नहीं। इहदी दिख देखो सारी बदल दित्ती गई आ। इत्थे लोग रोस प्रगट करन आए सी जदों ये साका वापरिया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध इत्थे लोग रोस प्रगट करने लई इकट्ठे होए सी और लोग लाटां बलदियां दे विच आए सी। आज़ादी का लोगों के खून खोलता सी। इन्हां ने इदां पेश करता कि जिदा लोग जश्न मनाउण चले होण। शहीद ऊधम सिंह ने जलियांवाले बाग के शहीदों की मिट्टी की सहुं खा के कहा सी बदला लैण लई। उन्होंने ए परोस दिया कि जिवें उह वेख रिहा कि मिट्टी लाल आ कि चिट्टी आ। फिर अमर ज्योति जिहड़ी लाट बलदी सी गेट वड़दे तुहानू दिसदी सी साडा खून खोलदा सी साडे बच्चियां दा खून खोलना चाहीदा कि इत्थे साडे ते जुल्म होया उहनू चुक के नुक्कर दे विच लाता। जिथे खड़के जनरल डायर ने गोलियां चलवाइया वह कंध ढा दित्ती गई आ। किद्दां खून खोलेगा तुहाडा खूह दी दिख बदलती आ। अंदर जाके देखो जिथे गोलियां बजियां उत्थे एक खाली बनाती गई आ। आया तुहाडे बच्चे सवाल नहीं करनगे कि लोग खाली दे विच लम्मे पै सी ते जनरल डायर उत्तों दी गोली मारदा सी। गोली तो सीधी वजदी आ। सारी टोटल दिख बदलती गई आ और इत्थे टिकटां लातियां गई मशीनां कटदियां इहदे पिछे। ये आया तुसीं अपने शहीदां दे समारक वेखण दे लई जिथे तुहाडे शहीद होए आ उहदी यादगार देखण लई टिकट खर्च के जाओगे? कौन खर्च के जाएगा? और 20 करोड़ रुपया ला के पार्क नू बीजेपी सरकार मुंडे कुड़ियां दे बैण दी थां बनाउणा चाहुंदी आ ना के शहीदां दा समारक। फिर एक गली अंसल साहब मैं दसदा कि इस तो पहले जदों दिख नहीं बनाई गई सी जदों पहले सीगी इस तो जैक उदों भी लोग अंदर बैठे ताश खेडदे सीगे उदों भी लोग अंदर जांदे सी उदों मुंडे कुड़ियां बैंदे सीगे अंदर। देखो कोई मुंडे कुड़ियां कोई परिवार आराम ना को बहिंदा होवे किते किसे नू कोई इतराज़ नहीं। लेकिन एक शहीदां दी जगह नू आपां स्मारक नू असी सैरगाह बना दिए ये मंजूर नहीं। पर सैलानी आंदे ने अंसल साहब इत्थे रोज़
लखां की गिनती दे विच सैलानी आते हैं, शरधालू भी होंगे ने मत्था टेकन आते हैं, उन्होंने आके इनू इहदी पहचान नू इहदी इतिहास नू उहनू जानना आके। देखो जी सैलानियां ने देखना पर वो अपनी मर्जी नाल आउण, टिकटां लाउण दा कोई मतलब नहीं। टिकटां ला के तुसीं एक रिस्ट्रिक्शन लाती कि किन्ने अंदर जाना किन्ने अंदर नहीं जाना। सैलानियां नू आना चाहिए, लोकल बंदे रोज़ नहीं जाते। जेड़े सैलानी ने आना उन्हें जल्लियांवाला बाग देखना ही देखना। अंदर जल्लियांवाले बाग की हिस्ट्री दसो, इत्थे कोई इतराज नहीं, लेकिन तुसीं इहदी देख बदल दिओ। वो एक कंध ही ना देखण कि कित्थे जनरल डवायर खलोता सी, गोलियां लोगों को कित्थे वज्जियां, ये खूद ही देख की सी, इक्को गली सी, तुसीं पिछों दी लोगों का निकास कर दिता, इहदा की मतलब होया? हाँ जी, तुसीं शहीदी परिवार नाल संबंधित हो, तुहानू की लगता है कि इस जी जिहड़ी दिख बदली गई है या दिख नवी दिख दी गई है, 20 करोड़ रुपया सरकार ने लगाता है, चिरां तो मंग सी इत्थे लाइट एंड साउंड प्रोग्राम शुरू किया जाए, हुण लाइट एंड साउंड भी शुरू हो गया है, पर अज भी परिवार जथेबंदियां समूह जथेबंदियां इसका विरोध कर रही ने, क्यों? देखो यदा कारण ऐब है कि यह लाइट एंड साउंड इतना आदा है कि जिवें अही किसी शादी समारोह ते आ गए हैं। लाइट एंड शो शो जिथे भी चलते हैं, तुसी बाहर विदेशों भी जाओ तो यह कोई पिकनिक स्थान नहीं सी, ये कोई शादी का समागम नहीं बनाना सी, यही ये शहीदों का स्थल सी, इनू इस तरह का थीम बेस्ड बनाना चाहिए सी, जिथे लोग अंदर जाते भावना नाल देखते दे, बाहर हंझू लैके आते कि इत्थे साडे बजुर्गों ने उन्होंने शहादत किन्ने ताडी आजादी ली जिहड़ा अज तुसी निग मान रहे हो उस आजादी ली जिवें किस तरह कुरबानियां दित्तियां। मैं लाला वासुमल कपूर जी का शहीद पड़पोत्रा ये गल करदा कि अज भी सरकारां जिहड़ियां ये 11 मंगां सी सब तो पहले दित्तियां सी, इस दी आवाज़ सब तो पहले साडी जलियांवाला बाग फ्रीडम फाइटर फाउंडेशन ने उठाई सी कि 28 तरीक इनोग्रेशन तो बाद प्रधानमंत्री जी दे साहब कि इहदी इनोग्रेशन तो बाद असीं इत्थे सवाल चक्के सी कि इहदा नवीनीकरण कर दिता गया और जिहड़ी पुरानी विरासत सी उह खत्म कर दित्ती गई है। उस पुरानी विरासत नूं खत्म करके सरकार ने एक नवा इतिहास लिखता, नवी सदी का, वो 1919 च सी अज 2021 च लिख दिता। सो जी तुसी गल कर रहे हो 1919 का जिहड़ा साका सीगा अज 2021 चलता पिया है, 1919 दे विच दे हालात ते हुण दे हालात दा हुण दा समें बदल गया है, हुण नवी लोकां दी तकनीक नहीं चाहीदी, नवी तकनीकां नहीं चाहीदियां सानू, पुराना विरसा जिहड़ा वो नवी तकनीकां दे नाल नहीं चाहीदा सानू, वो पुराना विरसा पुरानी इमारतां चाहीदियां, पुराने साडे जो खूह दी दिख सी गली दी दिख सी उही लगी जानी चाहीदी आ वी जिथों बूचड़ जनरल डायर ने हज़ारां दी तादाद च साडे निहत्थे शहीदां दा बेगुनाह शहीदां दा कतलेआम कीता सी, उस कतलेआम नूं नहीं दर्शाया जा रहा। जिवें कि तुसीं टिकटां दी भी गल कीती है, दुकानदारी नहीं चल सकती, ये शहीदां दा मंदिर है, इत्थे दुकानदारी ना चलाओ। पर सुनील जी अंदर हुण गैलरीज बन गईआं ने, एसी लागे ने अंदर, जो समय की जरूरत है अज दे अजोके समय की लोड़ है कि उत्थे वातानुकूल प्रोग्राम बनाया जाए, जिहड़े चार स्टूडियो बनाए ने, देखो ये चार अंदर जिहड़े ओह बनाए ने अपना म्यूजियम छोटे छोटे गैलरियां, ये तो एक फ्लैक्स लाती हैं, जिमें कि भैन जी लक्ष्मीकांत चावला जी ने भी कल एक श्वेत पत्र जारी करने से सरकार को कहा कि 20 करोड़ रुपया कितने लगा वह श्वेत पत्र जारी किया जाए, सरकार जारी करे। सरकार नू देखो ये एक सांझा स्थल है, ये सारी कौम का पूरे 130 करोड़ देशवासियों का एक शहीदी का मंदिर है, इस मंदिर की जिहड़ी भावनावां नू ठेस पहुँची है, उस भावनावां नू जिहड़ी ठेस पहुँची है उसके मतलब कि अज इन्नी जथेबंदियां कट्ठियां हुई हैं और ये सारी जथेबंदियां इक्को सुर च कह रही हैं भी ये विरासत जिहड़ी है दोबारा कायम की जाए। जेकर 11 मंगां की गल करिए उहदे च शहीदां का दर्जा भी है। देखो तुसी अज तकन जल्लियांवाले बाग दे शहीदां नू शहीदां दा दर्जा नहीं दिता, तुसी अज तकन शहीद ऊधम सिंह नू नहीं दर्जा दिता, शहीद भगत सिंह नू नहीं शहीद दा दर्जा, भाई तुसी किहनू देना है? तुसी जां ते सानू लिख के दे दिओ भी असीं शहीद नहीं गे, सरकार लिख के एक ऑर्डिनेंस एक सर्कुलर जारी कर दे भी असी यह शहीदों नू इन्हां नू शहीद नहीं मनते, फिर असी कानून न्याय प्रणाली तो असी अपना लड़ाई लड़ांगे। पर अज 144 लगी हुई है जल्लियांवाले बाग दे बार बार अंदर आले दुआले, उसके बावजूद एडा वड्डा इकट्ठ है, वो जी 144 देखो अज लगी आ, ये उही याद कराती है भी 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर वाले भी लगी सी, अज वो डायर के अडवायर उत्थे ही खलोते ने, इस जल्लियांवाले बाग च अज फिर दोबारा महसूस होया भी डायर के अडवायर इत्थे ही ने, अज तक उन्होंने गए नहीं, ना ही उन्होंने सोच बदली है, ना ही उन्होंने जोड़े काम करने के तरीके बदले है। सो ये सरकार भी वह जे तरीके बना रही है जोड़े उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार ने बनाए सी। सो समूह जथेबंदियां किसान जथेबंदियां वख-वख आगू शहीदी परिवार
जल्लियांवाले बाग की जिहड़ी नवीनीकरण किया गया है उसके खिलाफ ज एक मोर्चा शुरू किया गया है जिहड़ा भरावां दे ढाबे तो शुरू होकर जल्लियांवाले बाग तक पहुँचा है, क्योंकि जल्लियांवाले बाग के आले दुआले 144 लगाई हुई है प्रशासन वालों, उसके तहत पुलिस वालों बैरीगेड ला के इन्हों रोकया गया जल्लियांवाले बाग तो थोड़ा जा दूर, पर जल्लियांवाला बाग भी नज़दीक ही है। पर यह बहुत वड्डा एक दोबारा उही फैसला है जिहड़ा सरकार ने 1919 दे विच लिया सीगा, उदों भी 144 लगा दी गई सी जदों इस जगह दे उत्ते साका वापरिया सीगा, उही साका उही दिन नूं दर्शांदे होए प्रशासन ने फिर दोबारा इस जगह ते 144 लगा दी है। और उस तरह ही प्रोटेस्ट जिहड़े है लोग कर रहे ने जल्लियांवाले दी बाग दी जिहड़ी नवीं देख रेख दी गई है उसनों दूर करने लई। तुसीं देख सको कि इस वेले बैरीगेट लगाए गए ने कि इन्हां जथेबंदियां नूं एक जगह ते पुलिस वल्लों रोकिया गया है, पुलिस वल्लों बैरीगेट लगा के जल्लियांवाले बाग जाने वाले रस्ता जिहड़ा है उत्ते बैरीगेट लगाते तां जो ये लोग अगे ना जा, क्योंकि 144 लगी हुई है। समूह जथेबंदियां जनतक जथेबंदियां इत्थे ही इकट्ठी हुई ने, इत्थे ही इन्हां वल्लों धरना लगा दिता गया, इत्थे बैठ के ही धरना लगा दिता गया है। ये धरना किसानां मजदूरां शहीदी परिवारां और जल्लियांवाले बाग के शहीद परिवारों का यह धरना है, जिस पर अपना रोष जिहड़ा है जता रहे ने कि जल्लियांवाले बाग के जिहड़ा नवीनीकरण दिता गया है, इस नवीनीकरण ने इस बाग के इतिहास नू, इस बाग के दिख नू, इस बाग के कल्चर नू चेंज कर दिता गया है, इसनू इसनू लोड़ है कि दोबारा चेंज किया जाए। कैमरा पर्सन विपन के नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा, काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं, परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ, की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले, एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे ओवें होएगा, इट्स माय प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज, इल्मा दे माहिर, ए टू जेड समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल, वशीकरण अते मुठकरनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत, सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जां दुटोना, मनमोहणी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुसे नूं मनाओ, हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान, 98 199 37 467।